व्हाट्स अप यूट्यूब, इट्स मी गौरव त्यागी। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे को लगता है कि लोग यार अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खींच रहे, अच्छी अच्छी लोकेशंस पर जाते हैं फिर भी अच्छे फ़ोटोज़ नहीं खींच पाते, क्योंकि सबके पास आजकल अच्छे अच्छे कैमरा हैं तो आई थिंक फ़ोटोज़ तो स्टनिंग आनी चाहिए हर एक के फ़ोन से। तो मैंने सोचा एक वीडियो उस पर बना देता हूँ कि सनसेट या सन राइजिंग के दौरान आप अच्छी फ़ोटो कैसे खींचें। सो वीडियो एंड तक देखना। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके फ़ोटो में कुछ यूनिक होना चाहिए, मतलब समथिंग यूनिक मस्ट बी देयर। अगर यूनिक होगा तभी आपकी फ़ोटो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। यूनिक या तो आप उसको बनाइए, क्रिएट करिए, या फिर कुछ ऐसा ढूंढिए जो यूनिक है, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट की बात मैं करूँगा, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा या तो आप रूल ऑफ थर्ड यूज़ कीजिए या फिर आप सिमेट्रिकल फ़ोटो खींचिए। सिमेट्रिकल से मेरा मतलब है कि फ़ोटो जो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाए, या फिर उसको रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से एक साइड में खींचिए उस दूसरी वाली लाइन पे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। उस यूनिक से गाइज मेरा मतलब ये है, समथिंग लाइक दिस। अब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे ये पेड़ जो है डेड है बिल्कुल, इस पर एक भी पत्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो फ़ोटो देगा ना एकदम स्टनिंग देगा। अब मैं इसका आउट ऑफ फोकस और ब्राइटनेस लॉक करता हूँ और अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, और मैं आपको इस वीडियो के एंड में इसके फ़ोटोज़ दिखाऊँगा, तब देखना आप क्या अमेजिंग रिजल्ट आएंगे भाई साहब इसके। एंड यस, लास्ट थिंग इज एडिटिंग। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप LR या फिर स्नैपसीड यूज़ करें, उसके अलावा तो सब ऐसे ही। और हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग इन एडिटिंग, छपरी वाली एडिटिंग ना करें, वो बहुत बेकार लगती है। थोड़ी डिसेंट एडिटिंग करें, फोटोज विल बी अमेजिंग। और अगर आपको देखना है कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल कैसा है, मतलब मैं कैसे फ़ोटो खींचता हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हैं, ID इस नाम से होगी। थैंक यू, बाय।